तीन के भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय के सोमवार को दिए गए बयान पर मंगलवार को मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पलटवार किया। मंत्री ने कहा कि पिता पुत्र बौखला गए हैं, बेटा कह रहा है कि वह खाली हाथ नहीं चलता, वहीं पिता कह रहा है कि हम सरकार गिरा देंगे। जल्द ही पेंशन घोटाले की रिपोर्ट आएगी, जिसने गरीबों का पैसा खाया है उन्हें हम छोड़ने वाले नहीं है, वे सरकार गिराने की बात कह रहे हैं। जबकि भाजपा के 4 से 5 विधायक हमारे संपर्क में हैं, हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। सोमवार को विधायक विजयवर्गीय ने भाजपा के आंदोलन के दौरान मंच से कहा था कि सरकार यदि जल्द किसानों की मुआवजा नहीं देती और बिजली के आ रहे भारी भरकम बिल से लोगों को राहत नहीं देती, तो आप जानते हैं कि हम खाली हाथ तो चलते ही नहीं है। उनके इस बयान का मतलब हाल ही में उनके द्वारा क्रिकेट बैट से निगम कर्मचारी को पीटने से निकाला गया। इसके अलावा पिता कैलाश विजयवर्गीय समय समय पर यह कहते रहे कि वे कभी भी कांग्रेस की सरकार को गिरा सकते हैं। इन्हीं बयानों पर मंगलवार को लोक निर्माण मंत्री संजय वर्मा ने पलटवार किया। संविधान की धाराएं अंबेडकर साहब ने बनाई है और ये धाराएं आप जैसे लोगों के लिए बनाई गई है, इससे कोई बच नहीं पाया है। प्रधानमंत्री को लेकर कहा कि भाजपा के कदावर नेता, सवाल ये है कि मोदी से लेकर नीचे के लोग तक दो मुंह के लोग हैं, कहना क्या और करना क्या। आकाश की ये तो धमकी नहीं है उन अधिकारियों के लिए, और इस सरकार में उन्हें न्याय मिला ऐसा उनका भी कहना है। तो आज वो जो है जन सुनवाई में शिकायत लेके पहुंचे थे कि उनको धमकियां भी मिल रही है, कुछ गुंडे उनके पीछे लगा दिए गए हैं। आप एज ए सरकार के प्रतिनिधि क्या कहेंगे? क्योंकि बड़ी जगदीश पालीवाल जी को जानता हूँ, हम लोगों से भी मिले हैं, उनका किसी होटल के बारे में उनकी जमीन पे किसी व्यक्ति ने अनाधिकृत रूप से होटल बना दी है, होटल का नाम वाव वाव होटल है, उस पर अनाधिकृत रूप से कोई मिथिलानी परिवार है, कोई वाधवानी परिवार, इन लोगों ने अनाधिकृत रूप से उस पर होटल निर्माण कर दी, जबकि जमीन जगदीश पालीवाल की है। उस पर आर्थिक अपराध शाखा हमारी मध्य प्रदेश की जो है, वहां के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने FIR के आदेश दे दिए हैं, FIR हो गई है। अब जगदीश पालीवाल को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार हमारी हर उन आपराधिक कृत्यों पर संज्ञान लेती है जिससे जनहित का नुकसान होता है, तो FIR दर्ज हो गई है तमाम सरमायादार लोगों पे, और उस पर निश्चित रूप से जल्दी शीघ्र ठोस कार्रवाई।